अभी तक शांति क्यों नहीं है, मैं ये भारत सरकार से प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या एक और वायरल वीडियो का इंतजार हो रहा है? नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। मणिपुर के मुद्दे को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। जिस तरीके से मणिपुर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद उन महिलाओं को इंसाफ दिलाने की मांग लगातार देश के हर कोने में की जा रही है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए CJI ने कई सवाल दागे हैं। उनका कहना है कि मणिपुर के केस को इस तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ये कहते हुए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या कुछ फटकार लगाते हुए कहा है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल यहां पर जब से इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई है, तब से यही कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है वो इस पूरे मामले पर अब बड़ा संज्ञान लेते हुए नजर आएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मणिपुर के उस भयावह वीडियो से संबंधित अपराध पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पुरुषों की भीड़ द्वारा यौन हिंसा का शिकार होने से पहले दो महिलाओं को नग्न परेड करते हुए दिखाया गया था। पीठ मई से राज्य में चल रही जातीय हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रही थी। यहां पर मणिपुर को लेकर के लगातार चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कई सवाल दागे केंद्र सरकार पर और उनसे पूछा कि आखिरकार 2.5 महीनों से सरकार क्या कर रही थी, क्यों आखिरकार गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से केवल बैठकें की जा रही थी और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था, जबकि महिलाओं के साथ इस तरह की बड़बड़ताएँ हो रही थी और केवल एक वीडियो ये वायरल हुआ है। इसी तरह कई ऐसी घटनाएँ वहाँ पर हो रही थी जिसकी खबर जो है वो गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं थी, या फिर थी लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो साफ तौर पर यहां पर कई सवाल पूछे गए हैं और अब कहीं ना कहीं CBI इस पूरे मामले की जांच कर रही है और देखना होगा कि CBI आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ तथ्य निकाल करके सामने रखती है सुप्रीम कोर्ट के। बहरहाल लगातार कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की जद्दोजहद कर रही है और जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को पास करने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां अगर समर्थन हासिल कर लेती हैं तो साफ तौर पर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पास हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या कुछ यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है, सुनिए। ओनली सॉल्यूशन इज टोटल सेपरेशन। अभी तक वीडियो वायरल होने के बावजूद भी देश में उस राज्य में शांति नहीं है। अभी तक फायरिंग की दुर्घटना सामने आ रही है। अभी तक शांति क्यों नहीं है, मैं ये भारत सरकार से प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या एक और वायरल वीडियो का इंतजार हो रहा है? क्या एक और वायरल वीडियो या कोई और भी बहरे दुर्घटना के बाद ही वो कोई कदम लेंगे? ये सब नहीं होता अगर भारत सरकार समय पर इंटरवीन कर रही है। मैं बस एक ही चीज कहना चाहती हूँ हमारे प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी जी को कि हम भी भारतवासी हैं, हमारे अंदर भी भारत का खून है, तो हमारे साथ ये अंतर क्यों, हमारे साथ ये भेदभाव ना करके हमारी चीखों का जवाब दीजिए, कोई कदम उठाइए जिससे शांति हो, जिससे हमारे भाई बहन की और मृत्यु ना हो, ताकि हम भी अपने हक के लिए लड़ सके, जिंदा रहे। जितना गुजरात उनके लिए मायने रखना होता है, उतना मणिपुर भी मायने रखना चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है, आधार कार्ड है हमारे पास, आधार कार्ड से दिखता है कि हम भी भारतवासी हैं और हमारा भी हक है इस मिट्टी पर, हमारा भी हक। आपने कभी सोचा था कि देश का प्रधानमंत्री आप लोगों को इग्नोर करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं,
बट चाहे कितनी भी देरी हो जाए, बेटर लेट देन नेवर। इसलिए मैं ये विनती करती हूँ, पूरे तह मन से विनती करती हूँ कि प्रधानमंत्री, भारत सरकार, हमारी जनसंख्या, हमारी पूरे भारत एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ एक कदम उठाए। जल्द से जल्द, हम कब से जीते हैं, हम कब से पिलाए हैं, और ये कल की बात नहीं है, ये मई की बात है। तब अभी तक जो बंदा हमारे हमारी कठिनाइयों को देखकर भी चुप है, वो क्या मनुष्य कहलाना चाहता है अपने आप को? मनुष्य दिखता लेकिन मनुष्यता नहीं। क्या हम आपके भाई बहन नहीं है? क्या आप हमारे हक के लिए ना लड़ोगे जैसे आप अपने भाई बहनों के हक के लिए लड़ोगे? मणिपुर की हालात बड़े संगीन है। आम लोगों के अंदर एक खौफ, एक अनिश्चितता पूरा विराजमान है। हजारों की तादाद में मणिपुरवासी अपने घर बार छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। लोग ये नहीं जानते कि कब अपने घर वापस जाएंगे। खेती बाड़ी सब बंद हो चुके हैं। हजारों की तादाद में घरों में आगजनी हो चुके हैं, और दोनों वर्ग के, जैसे कि कुकी और मेथी की, दोनों वर्ग के अंदर जो दरार पैदा हो चुके हैं, ये दरार कैसे फिर जोड़ेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। बड़े ताजुब की बात है, बड़े बड़े बात तो दिल्ली में कहे जाते हैं, देश की बाहर भी बड़े बड़े बात कहे जाते हैं, हम लोग क्या करें? लगता तो है जब सारे मणिपुर जल रहे हैं तो हमारे देश की प्रधानमंत्री बसरी बजा रहे हैं, किसी के कोई परवाह नहीं मणिपुर के बारे में। आप जानते हैं, लोगों की घर में खाना नहीं है, दवाई नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की कोई इंतजाम नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज में जाने नहीं पा रहे हैं। सारे मणिपुर में दो गुटों के बीच जो झगड़ा चल रहे हैं, इस झगड़ा से इनको वापस लाने के लिए कोई कोशिश नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल सरकार सारे चीजों पे आग बंद करके बैठे हुए हैं। ये मैं सरकार को ये सतर्क करना चाहते हैं, अगर इस तरीके की हालत को हुआ चलने दिया जाए तो ऐसा हालत, ऐसा समय आएगी तो सारे चीज हमारा हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि अभी भी एक दूसरे को जरा सा भी यकीन नहीं करते। लगता है कि दो देश बन गए, एक कुकी लैंड और एक मेथी लैंड, अलग अलग देश बन चुके हैं। कोई किसी से यकीन नहीं करते, कोई किसी से संपर्क नहीं रखते। राशन पानी सारे बंद हो चुके हैं, हिल पे कहां जा रहे हैं देश वहां नहीं जाने से आपको पता नहीं चलेगा। हमारे वहां आज गवर्नर साहिबा से हम लोग मुलाकात किए हैं, गवर्नर साहिबा खुद कह रही थी कि हालात बुरा है, ऑल पार्टी मिलके आप सोचिए, सारे जो गुट है, सारे जो वर्ग है, ये सारे वर्ग की जो नेतागण है, ये सारे वर्ग की नेतागण को एक साथ विचार विमर्श करके आप लोग को समाधान की रास्ता निकलना पड़ेगा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया जाता है। मुझे बड़ा तजुब लग रहा है, मान के चलिए मैं कोई सियासत करने के लिए ये नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कह रहे, मेरे देश की एक हिस्सा है। कहे जाता था मणिपुर लैंड ऑफ द ज्वेल्स, आज मणिपुर की हालत देखते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे घर की माँ बहने जिनको बच्चा देने के समय होते हैं, बच्चा पैदा करने की समय होता है, कोई उनका प्राइवेसी नहीं है, घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, क्या हो रहा है? हम कि यह सभ्य समाज में पास रहते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। ये दिल्ली देखो और मणिपुर देखो, कोई इसमें कोई अंतर, मतलब दो विश्व के अंतर बन चुके हैं।
क्या करेंगे? हो ये मुद्दे को लेकर शुरू के दिन से, पहले दिन से हम देश की प्रधानमंत्री की निगाह इसमें डालने की कोशिश की, आग्रह की कि इस मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा किया जाए। ये सरकार की नीत टूटे इसके लिए हम बार बार गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सदन में ये बात नहीं रखना चाहते और इसके चलते एक के बाद एक दिन सदन ठप हो जाते हैं। ये सरकार बहानाबाजी करते हैं कि मणिपुर की मुद्दा एक कानून और व्यवस्था की मुद्दा, लेकिन असलियत ये नहीं है। मणिपुर की मुद्दा के साथ कानून व्यवस्था की सेफ कोई सरोकार नहीं है। जरूर कानून और व्यवस्था की मुद्दा है, लेकिन सेफ और सेफ कानून का मुद्दा और व्यवस्था की मुद्दा ये अगर कहे तो इसका साथ हालात की कोई सरोकार नहीं है। मणिपुर की मुद्दा अभी एक जाति दंगा में तब्दील हो चुके हैं। ये जाति दंगा भयंकर आकार धारण कर रहे हैं। मैं हमारे देश की प्रधानमंत्री की और सारे ये सरकार को मैं ये सचेत करना चाहते हैं कि मणिपुर की हालात हाथ से बाहर ना निकल दे तो देश के लिए बेहतर होगी, क्योंकि बॉर्डर म्यांमार कुछ नहीं है। वहाँ 1250 किलोमीटर के ऊपर हमारे बॉर्डर है, सिर्फ 7 किलोमीटर उसमें फेंसिंग है, बाकी सब खुले पड़े हुए हैं। बगल में म्यांमार के पीछे से चीन मदद करता है। अब कहाँ जाओगे? कोई परवाह नहीं करते क्या हो रहा है नहीं रहे, किसी की कोई परवाह नहीं। दिल्ली बैठ बैठ के खाली बतौलाबाजी कर रहे हैं यहाँ। हमारे ऊपर आरोप थोपना आसान होते हैं, लेकिन मणिपुर को संभालिए। मणिपुर के जो हालात, ये हालात को सुधारने की कोशिश कीजिए। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वहाँ की हमारे मणिपुर के जितने जातियां हैं, सदियों पुरानी रिश्ता था और दुश्मनी में तब्दील हो गए हैं। सारे लोग वहाँ के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करते रहते हैं हमारे सामने, लेकिन ये सरकार चीफ मिनिस्टर का वहाँ बैठे उनको चेयर में बैठे हुए देख रहे हैं हम लोग। अभी तक उन्हें ये चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त नहीं किया गया, क्यों? सारे मणिपुर की चाहे कुकी हो चाहे मेथी हो, हर संप्रदाय के लोग ये चीफ मिनिस्टर अब मणिपुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करते थे हमें, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। लोगों के अंदर सरकार पर जरा सा भी विश्वास नहीं है, जरा सा भी भरोसा नहीं है। सरकार जब भरोसा टूट चुका है सरकार के हम लोगों की निगाह में, तो सरकार कैसे चलेगा? लेकिन दादा आप सदन में चाहते हैं कि मणिपुर पे सबसे पहले चर्चा हो, लेकिन वो दिल्ली ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो निगाह भटकाने के लिए कर रहे हैं। समस्या तो सबसे बड़ी आज देश की समस्या है, हमारे पार्टी की समस्या नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की समस्या नहीं, बल्कि देश की समस्याएं हैं। मणिपुर हमारे देश के लिए खतरा पैदा होते जा रहे हैं। मणिपुर मैं ये कोई शिकायत करने के लिए नहीं, मैं जो आंखों देखा हाल बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो चुके हैं। ये स्थिति को अगर ना निपटाने का कोशिश करे, वहां अगर सौहार्द बनाने की कोई प्रयास ना हो, तो पता नहीं अगले दिन हम किस राह पे गुजरने के लिए खड़ा बैठे रहते हैं यहाँ। मैंने कह दिया कि राज्यपाल खुद इस विषय पे चिंतित है, उन्होंने सलाह दिए हैं कि ऑल पार्टी सबको यहाँ एक गुट हो। मैंने कह दिया वहाँ के लोकल लीडरों के साथ, हर गुट के लीडरों के साथ बैठे और एक अमन और चैन की माहौल बनाए, कह दिया मैंने, बार बार एक बात नहीं कर सकते। तो सुना आपने, साफ तौर पर ये कहना है मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों का कि जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट से भी केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगी है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 News।